प्रभुपाद जी के वेस्ट पहुंचने से पहले ही जगन्नाथ जी वहाँ पे पहुंचे हुए थे। प्रभुपाद जी एक शहर में थे, वहाँ एक सेंटर था, प्रीचिंग केंद्र था, तो उस शहर से दूसरे शहर में जा रहे थे। तो वहाँ एक माता जी थी, उन्होंने सोचा, मालती माता जी, कि इस स्वामी जी हैं, संत हैं, तो इनको कुछ देना चाहिए, कुछ उपहार देना चाहिए। मगर क्या उपहार दूँ मैं, क्या दे ही क्या सकती हूँ इनको। बात तो सही है कि हम संतों को कुछ नहीं दे सकते, मैं केवल अपना समय दे सकते हैं, अपनी श्रद्धा दे सकते हैं, और क्या देंगे। संतों को कुछ भौतिक चीज़ों की आवश्यकता नहीं है, मगर कुछ तो देना चाहिए। तो इंडियन शॉप पर चली गई और वहाँ से एक गिफ्ट ले आई। प्रभुपाद को बोलती है, स्वामी जी, अ स्मॉल हम्बल ऑफरिंग फ्रॉम माई साइड फॉर यू, प्लीज़ एक्सेप्ट इट। प्रभुपाद ने एक्सेप्ट कर लिया। प्रभुपाद ने खोल के देखा। प्रभुपाद देखते ही बड़ी बड़ी आँखें होगी प्रभुपाद की, क्योंकि जिस सामने जिसको देख रहे थे उसकी भी बड़ी बड़ी आँखें थी। कौन थे? जगन्नाथ जी की छोटी सी एक डॉल थी, काले काले जगन्नाथ, और छोटे से साइज के थे। प्रभुपाद ने तुरंत प्रणाम किया। उस लेडी को समझ नहीं आया कि स्वामी जी एक टॉय को प्रणाम कर रहे हैं। प्रभुपाद बोलते हैं, टॉय नहीं है, तुम जगत के नाथ भगवान को उठा के लेके आए हो, ही जगन्नाथ। और तुरंत दौड़ के भागो, वापस जाओ उसी शॉप पे जाओ। बोलते प्रभुपाद की कुछ गलती होगी क्या, कुछ चेंज कराना है? बोले, चेंज नहीं कराना, इनके साथ इनके भाई बहन भी होंगे दो, उनको भी लेके आओ। एक पीले वाले हो गए, एक सफ़ेद वाले हो गए, उनको भी लेके आओ। फिर वो लेके आती हैं, जगन्नाथ जी उनको स्थापित करते हैं, प्रणाम करते हैं। और फिर जगन्नाथ श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं कि अब देखिए जगन्नाथ जी यहाँ पे आ चुके हैं। और जगन्नाथ जी हमेशा ऐसे ही आते हैं, अपने आप ही आते हैं, बिन बुलावे के। जितने लोगों में घर में देखिए, कोई लेके नहीं आता जगन्नाथ जी को, खरीद के नहीं आता, कोई ना कोई दे देता है, कहीं से पहुँच जाते हैं जगन्नाथ जी। तो यहाँ प्रभुपाद जी ने उनको स्थापित किया। अब प्रभुपाद जी बोलते हैं, देखिए जगन्नाथ तो पहुंच गए, मगर जगन्नाथ जी अपने आप में अपूर्ण हैं तब तक जब तक इनके रथ यात्रा में निकाली जाए। तब जगन्नाथ जी की रथ यात्रा होगी। अब वहाँ एक डिवोटी को बुलाया गया जो कारपेंटर था, इंजीनियर भी था। उसको प्रभुपाद जी बोलते हैं कि रथ बनाना है। अब उसने जीवन में सब कुछ बनाया था रथ के अलावा, दुनिया बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बना ली थी, सब कुछ कार्व कर लिया था, मगर रथ आज तक नहीं बनाया। प्रभुपाद ने ड्राइंग बना के दी उनको कि इस प्रकार का रथ आपको बनाना है। सो एक्चुअली हाँ, ये जो ड्राइंग प्रभुपाद ने बाद में बना के दी, प्रभुपाद ने बोला कि अब रथ यात्रा निकलेगी। तो उन लोगों ने जगन्नाथ जी तो विग्रह बड़े बड़े बना लिए, मगर रथ नहीं बनाया था। तो सबसे पहली रथ यात्रा कैसी हुई थी वेस्ट में, कि ये वेस्टर्न डिवोटीज ने जगन्नाथ जी को ट्रक पर बिठा लिया और ट्रक पे बिठा के घुमा के लेके आ गए, थोड़ा कीर्तन करते हुए। प्रभुपाद जी जब पहुँचे वहाँ कि चलो रथ यात्रा में चलते हैं, डिवोटीज बोले वो रथ यात्रा तो खत्म हो गई, हम घुमा के ले आए जगन्नाथ जी को। प्रभुपाद बोलते ऐसे रथ यात्रा नहीं होती है, जगन्नाथ जी को तो रथ पे बिठाना पड़ेगा, उनको सड़कों पे घुमाना पड़ेगा, ये थोड़ी ट्रक पे घुमा के लेके आ गए, हो गई रथ यात्रा। तो फिर तब प्रभुपाद जी ने ड्राइंग बना के दिखाई रथ की, इस प्रकार का रथ आपको बनाना है। सो प्रभुपाद बैठे, सॉरी वो जो डिवोटी ने रथ को कार्व किया और जगन्नाथ जी को उस पर बिठाया गया। तो पहली रथ यात्रा हुई सैन फ्रांसिस्को में, हजारों हजारों लोग वहाँ पे आए हुए थे। मगर जैसे ही वो रथ खींचने लगे, पूरा रथ नीचे गिर गया। इट वॉज सो मिजरेबली मेड, सब बहुत परेशान हो गए कि क्या होगा, अब क्या मुँह दिखाएंगे जगन्नाथ प्रभुपाद जी को। प्रभुपाद जी के पास पहुँचते, प्रभुपाद बोलते चिंता मत करो, होता है जगन्नाथ जी की इच्छा होगी कि वो थोड़ा बड़ा रथ चाहते होंगे आपसे, और अच्छे से आप बढ़िया से रथ यात्रा निकालो। तो प्रैक्टिस अगेन एंड ये जो रथ यात्रा है दोबारा से निकालेंगे हम अगले महीने। तो फिर दोबारा से एक बड़ा सा रथ बनाया गया। हाँ, तो रथ टूट गया, तो फिर दोबारा से वो रथ बनाया गया, तब जाके रथ यात्रा निकली। तो सैन फ्रांसिस्को में फर्स्ट रथ यात्रा हुई थी।